अब हमारा सफर आ पहुंचा है नागपुर, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे हम LIC के सफल एजेंट और एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पढ़ाई तो CA की लेकिन कामयाबी LIC एजेंट बनकर पाई। आइए जानते हैं क्या है उनकी कहानी में खास। कहते हैं कुछ लोगों की आदत में होता है अव्वल आना। महेंद्र कामत उन्हीं कुछ लोगों में से हैं। पहले स्कूली शिक्षा में आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया तो उसके बाद CA का एग्जाम एक बार में पास करके दिखाया। आप नागपुर आए थे CA की पढ़ाई करने, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब आप CA की नागपुर ब्रांच के चेयरमैन बने। साल 2011 में आप LIC के साथ जुड़ गए और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज आप इस प्रोफेशन में दूसरों के लिए एक मिसाल है। तो ये कहानी है महेंद्र कामत की, जो नागपुर आए थे अपने सपनों को तलाशने के लिए। यहाँ आकर उन्होंने CA की पढ़ाई करी, साथ ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, जिसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे थे। पर उन्हें लगा कि उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने जुड़ाव किया LIC के साथ और LIC के साथ जुड़कर LIC एजेंट बनकर अपने सपनों को पूरा किया और कामयाबी हासिल की। आइए करते हैं मुलाकात उन्हीं से। कामत जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने CA की पढ़ाई करी है, CA की पढ़ाई करने के बाद आपने प्रैक्टिस भी शुरू करी, प्रैक्टिस शुरू करने का सफलता भी हासिल करी, फिर भी LIC का एजेंट के तौर पर करियर कैसे शुरू किया? 10 साल तक 2001 तक प्रैक्टिस में था और काफ़ी अच्छा, हमारी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी थी भगवान की दया से। 2001 में श्री LT मूलचंदानी करके LIC के बहुत बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर हुए हैं, वो हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने इस एजेंसी के बारे में बताया, इसके स्कोप के बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में बताया। तो शुरुआत में हमने एक पार्ट टाइम करके वाइफ के नाम से एजेंसी लिया था। 3-4 साल में वो रिटायर हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद ललित अम्बानी सर ने मुझे अपने विंग में लिया और कंटिन्यूसली उनके मोटिवेशन से, उनके सपोर्ट से फिर एक डिसीजन हमने लिया कि हमारा CA की प्रैक्टिस को सरेंडर करके LIC की एजेंसी लें। CA करने के बाद में LIC एजेंट बनना, तो इसमें आपको सपोर्ट किस किस ने किया? एक लकीली एक चीज़ है मेरे इस लाइफ में कि मेरी वाइफ हो या मेरे पार्टनर हो, उनका हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है कोई भी डिसीजन में। आपने अभी बताया हमें कि ललित जी ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया, जो कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ऐसे में आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ललित जी के बारे में सिर्फ ये कह सकूंगा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर आज इंडिया के में माने जाते हैं वो। और ये सिर्फ काम से नहीं, उनका नेचर भी वैसा है। जब मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ तो बोलते हैं कि तुम सही में लकी हो कि तुम्हें ललित अम्बानी सर जैसा डेवलपमेंट ऑफिसर मिला है। कामत जी, आपकी कोई USP या आपका कोई सक्सेस मंत्र? बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की एक इच्छा आपके अंदर है तो आप सक्सेस पाएंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक एजेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो LIC से जुड़े और किस तरह से वो कामयाब हो सकता है? पहला तो उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि वो क्लाइंट के बारे में सोचे, क्लाइंट फर्स्ट। दूसरा, कंटिन्यूस उसको अपना एजुकेशन और अपग्रेडेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया जिस तेज़ी से बढ़ रही है, अगर आप खुद चेंज नहीं हुए उस हिसाब से तो आप अपने क्लाइंट को वो सर्विस नहीं दे पाएंगे। LIC अपने एजेंट्स या डेवलपमेंट ऑफिसर को कितना सपोर्ट करती है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कभी हमें जो चीज़ कमिटमेंट दिया है कस्टमर को, LIC के कारण हमें वो पीछे नहीं हटना पड़ता। LIC के चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर हो, डिवीज़न के ऑफिसर हो या सेंट्रल ऑफिस के लोग हो, पूरी कोशिश करते हैं कि वो क्लाइंट को कैसे उसका फ़ायदा पहुंचा सके। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है किसी भी एडवाइज़र के लिए मार्केट में उतरने के लिए। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, LIC के प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं एजेंट के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अपने आप को एक इंडिविजुअल की जगह आप एक इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेट के जैसे काम करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली इसमें बहुत सक्सेस पा सकते हैं। जी कामत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के सफल एजेंट्स में से एक महेंद्र कामत से, जो कि नागपुर से हैं। इनकी स्टोरी से, इनकी कहानी से आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी और आप भी बन सकते हैं एक सक्सेसफुल एजेंट। लेकिन इनकी कहानी में जो एक अहम पहलू है, एक सलाहकार हैं, इनके दोस्त हैं, मेंटर कम डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, अभी कराएंगे उनसे मुलाकात।
ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से महेंद्र कामत ने अपने CA की पढ़ाई, अपना CA का करियर छोड़कर LIC एजेंट बनने का सपना पूरा किया। महेंद्र कामत जी जो हैं, उनकी वाइफ एजेंट थी और पार्ट टाइम वो काम कर रहे थे पहले, बट मैंने नोटिस किया कि उनका जो प्लानिंग था, जो कस्टमर्स को देते थे, वो वॉज एक्सलेंट। वो प्लान नहीं देते थे, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देते थे। मुझे लगा कि अगर ये बंदा फुल टाइम अगर काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपने एजेंट्स को क्वालिफाई या ट्रेनिंग देते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? LIC में आना आसान है, ओके? काम करना भी आसान है, प्रोवाइडेड अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो। सबसे पहला पार्ट आता है ट्रेनिंग, देन उसके बाद आता है आपका सपोर्ट सिस्टम, कि आप अपने एजेंट्स के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम बना के रखते हैं, और थर्ड जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है एनवायरनमेंट। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप 20 साल से LIC के साथ जुड़े हैं, तो ऐसे में आप कितना सपोर्ट LIC का मानते हैं एक एजेंट के लिए और डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए? हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ एजेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। LIC सेंट्रल ऑफिस जो है, इस पर हमेशा जो है नए इनिशिएटिव लेती रहती है कि एक एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे ग्रूम किया जाए। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग LIC को एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाना चाहते हैं, ये प्रोफेशन उनके लिए कितना सही है और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए इस प्रोफेशन के अंदर आकर? सबसे मेरा पहला क्वेश्चन वही रहता है कि आपको सेल्स पसंद है क्या, आपको लोगों से मिलना पसंद है क्या। अगर बंदा जो है आ रहा है, वो बोल रहा है मुझे टेबल वर्क होना, देन उसके लिए ये लाइन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आपको अगर लोगों से मिलना पसंद है, तो मैं एक चीज़ आपको 101% अश्योर कर सकता हूँ कि यहाँ जो रिवार्ड्स है, इनकम वाइज, आपका सिक्योरिटी, आप जो लाइफ इंजॉय करते हो, वो अनपैरेलल, कहीं पर भी नहीं। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से ललित जी अपने एजेंट्स को ट्रेन करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं और उनका एक बैकएंड सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के आज के सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई सूरत से LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर नीलेश मोदी और साथ ही LIC के सफल एजेंट अश्विनी कुमार बियानी से। इसके बाद हमारा सफर पहुंचा नागपुर में हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर ललित अंबानी और साथ ही LIC के सफल एजेंट महेंद्र कामत से। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ और संवार सकते हैं अपना जीवन। इसके लिए किसी बड़ी पूंजी या बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं और 18 साल के हैं, तो आप आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं LIC के साथ। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपको करना होता है एक SMS LIC एजेंट सिटी नेम और भेज दीजिए इसको 5676-7474 पर। साथ ही आप लॉग इन कर सकते हैं www.licindia.in पर। इससे आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप एजेंट बन सकते हैं। आपको 25 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद IRDA आपका एक एग्जाम लेगी और उसमें सफलता पाने के बाद आप बन जाएंगे LIC एजेंट। तो आज के सफर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।